हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज आपके लिए गर्मी की एक ठंडी ठंडी डिश लेकर आई हूँ, जो बनेगी तरबूज से। तो दोस्तों, तरबूज इस मौसम में खूब आ रहा है, आप ज़रूर लेकर उसे खाइए और उसकी अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाकर अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो सीज़न का जो फ्रूट होता है ना दोस्तों, हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं तरबूज से एक नई रेसिपी। देखिए, मैंने तरबूज को बीच में से काट लिया, आधा मैंने ऐसे ही खाने के लिए रख दिया है, आधे से मैं एक आपको अलग तरीके से तरबूज की आइसक्रीम बनानी बताती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको इस तरीके से काट लिया ना सेंटर में से। अब हमें इसे हल्का सा बीच में से जो सामने सामने बीज नज़र आ रहे हैं ना, उनको निकाल लेना है और चक्कू से इसे पूरा गोद लेना है, अच्छी तरह से कुरेद देना है अंदर से। और इसके बाद इसमें हम दोस्तों हैंड ब्लेंडर चला देंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसमें से पहले मैं बीज निकाल लेती हूँ सारे जो भी हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैंने इसमें से जो बीज ऊपर ऊपर मुझे नज़र आ रहे थे ना, मैंने वो निकाल दिया। मैं इसे चक्कू से इस तरीके से पूरा गोद दूँगी, ताकि ये जो ब्लेंडर हमने इसमें चलाना है ना, हैंड ब्लेंडर, वो आसानी से चल जाए इसके अंदर। तो दोस्तों, जब तरबूज लें ना, तो छोटे साइज़ का ही लें, ज़्यादा बड़ा साइज़ मत लें, क्योंकि इसमें जो ये वेस्टेज होती है ना, देखिए साइड में ये ज़्यादा निकलती है, और बीच में जो ये तरबूज का गूदा होता है ना, ये बहुत कम होता है। तो आप जो ज़्यादा छोटा भी ना लें, और मीडियम साइज़ का तरबूज लें आप। ये लंबा सा तरबूज लेकर आए थे, अभी पता नहीं मीठा है या नहीं। इसमें मैं थोड़ी सी 200 ब्लेंड करके चीनी भी डालूंगी, ताकि बच्चे खाएं ना, उनको अच्छा लगे। और जो बीज दोस्तों इसमें रह भी जाएंगे ना, अगर कोई बात नहीं है, तो वो ब्लेंडर के साथ पिस जाएंगे, क्योंकि वैसे भी तो चार मगज इसी चीज़ के बनते हैं, तरबूजे और खरबूज के बीज के ही तो बनते हैं। तो अगर वो पिस भी जाएंगे तो आपके मुंह में नहीं आएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको गोद दिया है। अब मैं इसमें हैंड ब्लेंडर चलाऊंगी। देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से चक्कू से ना बिल्कुल नीचे तक इसमें अच्छे तरीके से, इस तरीके से आप चक्कू से अच्छी तरह इसको गोद लीजिए, ताकि जो बिल्कुल तरबूज है ना, बिल्कुल अच्छे से कट जाए अंदर तक, क्योंकि ब्लेंडर से ना नीचे तक जो है हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, और हमें नहीं पता कि वो अंदर से पूरा तरबूज जो है ब्लेंड हुआ है या नहीं। इसलिए आप पहले ही यूज़ कर लें थोड़ा थोड़ा इसके मिश्रण को। और उसके बाद जो है इसमें मैं आपको ब्लेंडर चला कर दिखाती हूँ। बिल्कुल लिक्विड बन जाता है दोस्तों, ये वाला जो इसके अंदर जूस होता है ना, बिल्कुल जूस की तरह बन जाता है। और उसके बाद मैं इसमें भी चीनी मिलाऊंगी। देखिए, मैं तरबूज में सेंटर में हैंड ब्लेंडर को इस तरीके से डालकर हमने तब ऑन करना है। ये देखिए, अच्छे से ये बिल्कुल इसका जूस जो है अलग हो जाएगा। ये देखिए, अभी मैं आपको इसको पूरा ब्लेंड करके फिर दिखा दूँगी। देखिए दोस्तों, ये इसमें बिल्कुल लिक्विड सा मैंने बना दिया है तरबूज के अंदर। अब हम इसमें हल्की सी शुगर मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड चला के इसको फ्रीजर में रख देंगे, जब तक ये जम नहीं जाता। और फिर इसे कड़छी की सहायता से या स्कूप की सहायता से हम आइसक्रीम की तरह सर्व करेंगे। तो चलिए, अभी इसको जमने के लिए रखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और दोस्तों, आप इसे किसी डोंगे वगैरह में रख लें, नहीं तो जो है लिक्विड ना बाहर आता है सारा। तो आप अभी मैं आपको ना इसको खाली करके भी दिखाती हूँ, और मैं भी चेक कर लेती हूँ कि ये पूरा अंदर तक जो है इसमें ब्लेंडर चला भी है कि नहीं। अभी मैं जो ये वाला जूस है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है लिक्विड सारा, मैं इस बाउल में निकालूंगी, और अभी इसे चेक कर लेते हैं पहले। देखिए, मैंने सारा जूस जो है इसमें से निकाल लिया है, और अभी वही बात है कि देखिए अभी इसके अंदर कितना सारा तरबूज रह रहा है। तो अभी इसको भी मैं चक्कू से अच्छी तरह काट के इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, और इसे भी साथ में इसके ऐड कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको बिल्कुल खाली कर लिया है। देखिए है रहा ये इंटरेस्टिंग, एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग आपकी आइसक्रीम बनेगी, और आपके बच्चे भी इसको खाकर बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आप इसी तरीके से अपने बच्चों को अलग अलग जो रेसिपी है, अलग अलग तरीके से बनाकर खिलाइए, आपके बच्चे ज़रूर इन चीज़ों को खाएंगे। नहीं तो बच्चे क्या है, हमेशा मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर ये वगैरह खाते रहते हैं। और जब आपको सीज़न में जो भी फ्रूट आपके सीज़न में आता है ना, उसे आपको बच्चों को भी ज़रूर खिलाना चाहिए। देखिए, अभी सिर्फ 10 दिन की ही बात है, जो ये तरबूज और खरबूजा आ रहा है ना, ये मीठा लगेगा आपको। अगर एक भी बारिश पड़ जाती है ना, उसके बाद ये चीज़ें जो है इनका बिल्कुल ही ऑटोमेटिकली इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, और फीका हो जाता है अपने आप ही। जैसे जैसे लू बढ़ती चली जाती है ना, तो इनका टेस्ट और मीठा हो जाता है। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से नए तरीक़ों से आप जो है रेसिपियाँ अपने बच्चों को बनाकर खिलाएँ, और आपके बच्चे ज़रूर खुश होकर खाएंगे। देखिए, अब मैंने जो भी जूस निकाला था ना, एक बाउल पूरा भर गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ।
पूरा बाउल जो है इस जूस से भर गया है। इसमें मैंने शुगर भी ऐड कर दी है और अभी इसी तरबूज में मैं जो मैंने ये खोखला किया है इसी में इसको भरकर मैं जमने के लिए रख दूंगी और जब बच्चे आएंगे ना तो मैं उनके सामने ही से सर्व करूंगी स्कूप की सहायता से या कड़छी की सहायता से गोल गोल आइसक्रीम की तरह उन्हें सर्व करूंगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मम्मी ने ये कैसे बनाया है। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए देखो बच्चों आज ये तरबूज में अपने आप ही आइसक्रीम की तरह शेप आ रही है, देखिए मैं कड़छी से तुम्हारे सामने निकाल रही हूँ। तो बच्चे जो है खुश होकर ज़रूर उस चीज़ को खाएंगे। और एक नई रेसिपी दोस्तों ये बन गई तरबूज की आइसक्रीम, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी अगर ट्राई की तो आपको कैसी लगी। ये एक से दो घंटे में शायद जम जाएगा अच्छी तरीके से, तो उसके बाद जो है इसको हम सर्व करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सर्व करके कैसा दिखता है। देखिए दोस्तों इस तरीके से मेरे को एक और आइडिया आ गया इसको बनाते बनाते, जब हम वीडियो बनाते ना तो हमें आइडिया आ जाते हैं अपने आप ही। तो देखिए जिस तरीके से हम अभी तो मैं इसको जमने के लिए रख रही हूँ, नहीं तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से छोटे छोटे तरबूज लाकर आप अपने बच्चों को इसका जूस इस तरीके से निकाल कर कुछ शुगर मिक्स करके इस तरीके से इसमें नींबू भी हल्का सा निचोड़ दें, काला नमक डालें और थोड़ा सा पुदीना भी क्रश करके डाल दें तो आपका ये जूस भी तैयार हो जाएगा। और आपको इसको इसी में ही आपको स्टॉल लगाकर बच्चों को दें तो बच्चे बहुत ही खुश होकर इस जूस को पियेंगे, तो आप इस चीज़ को भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फिलहाल तो देखिए मैं इसको अभी फ्रिज में जमने के लिए रख रही हूँ। देखिए दोस्तों इस तरबूज में इस तरीके से जो मैंने जूस बनाया था ना अब बिल्कुल जम गया है। देखिए अब मैं इसमें से आपको क्यूब से जो है आइसक्रीम की तरह निकाल कर दिखाती हूँ, सर्व कर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों मेरी तरबूज की यम्मी यम्मी और ठंडी ठंडी आइसक्रीम जो है बनकर बिल्कुल तैयार है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में, तो बाय दोस्तों। और देखिए दोस्तों मैंने इसको टूटी फ्रूटी से जो मैंने बनाई थी ना घर पर टूटी फ्रूटी से डेकोरेट किया है, आप भी टूटी फ्रूटी डालकर ज़रूर इसे खा कर देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद दोस्तों।